रजिस्टर ऑफ वोटर्स 17A, मतदाता रजिस्टर 17 का डिस्क्लेमर। यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य ना किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शंस व गाइडलाइन को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में हम रजिस्टर ऑफ वोटर्स यानी कि मतदाता रजिस्टर 17A को देखेंगे। मतदाता रजिस्टर 17A में पहले मतदाता के हस्ताक्षर करने के पूर्व मतदान अधिकारी क्रमांक 1 पीठासीन अधिकारी के साथ कंट्रोल यूनिट की जांच करेंगे व मतदाता रजिस्टर 17A में लिखेंगे। कंट्रोल यूनिट में टोटल की जांच की गई व टोटल मत शून्य पाए। मतदाता सूची में दिए गए मतदाता के क्रमांक, यहां नाम नहीं आएगा, केवल क्रमांक की हम बात कर रहे हैं। मतदाता सूची में दिए गए मतदाता के क्रमांक को मतदाता रजिस्टर 17 का में लिखा जाना चाहिए। मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान मतदाता रजिस्टर पर प्राप्त किया जाना चाहिए। मतदाता का रजिस्टर 17 का के कॉलम 3 में पहचान दस्तावेज के अंतिम 4 अंकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। एपिक कार्ड के आधार पर मतदाताओं के मतदान के मामले में यह पर्याप्त है कि संबंधित कॉलम में ईपी अक्षर का उल्लेख किया गया हो। यदि फॉर्म 17 का में अपने विवरणों की विधिवत प्रविष्टि के बाद और अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने के बाद कोई मतदाता वोट नहीं देने का फैसला करता है तो इस आशय की एक टिप्पणी मत न देने का निश्चय किया फॉर्म 17 का में किया जाएगा तथा उस मतदाता से हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान इस तरह की टिप्पणी पर प्राप्त किया जाएगा। यदि मतदाता की कोई उंगली नहीं है तो मतदाता स्वाभाविक रूप से अपने मत को रिकॉर्ड करने में असमर्थ होगा और इसलिए अनिवार्य रूप से नियम 49N के तहत एक साथी की सहायता लेनी होगी। उस स्थिति में साथी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान मतदाताओं के रजिस्टर पर लिया जाना चाहिए व रिमार्क कॉलम में इसका उल्लेख भी करना चाहिए। जहां कोई मतदाता मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करता है तो उसे मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाले प्रभाव की एक टिप्पणी, मतदान हेतु अनज्ञात नहीं किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया, मतदाता रजिस्टर 17 का के टिप्पणी कॉलम में लिखी जाएगी। रजिस्टर ऑफ वोटर 17A का फ्रंट पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां निर्वाचन का वर्ष लिखेंगे, राज्य का नाम, लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जैसी भी स्थिति हो क्रमांक और नाम लिखेंगे, मतदान केंद्र का क्रमांक, मतदान केंद्र का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद निर्वाचक नामावली के भाग संख्या यानी कि पार्ट नंबर लिखा जाएगा। अब हम दूसरा पेज देखते हैं। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कि रजिस्टर 17 का में पहले वोटर की एंट्री के पहले हमको लिखना होगा कि कंट्रोल यूनिट में टोटल की जांच की गई और टोटल मत शून्य पाए गए। यह P1 लिखेंगे और प्रेसाइडिंग ऑफिसर साथ में रहेंगे। फिर पहली एंट्री में हमने निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का सीरियल नंबर लिखा, वो निर्वाचक एपिक कार्ड लेके आया था तो केवल EP लिख दिया और इलेक्टर के सिग्नेचर ले लिए। सीरियल नंबर 2 में निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या 169, यह इलेक्टर भी एपिक कार्ड लाया था, EP लिख लिया और उसके सिग्नेचर ले लिए। रो नंबर 3, सीरियल नंबर 88, यह इलेक्टर आधार कार्ड लाया था तो आधार लिखा और लास्ट के 4 डिजिट लिखे आधार कार्ड के और वो अंगूठे का निशान ले लिया, क्योंकि वो साइन नहीं कर पाता था तो उसके अंगूठे के निशान ले लिए। रो नंबर 4 में क्रम संख्या है 111, यह इलेक्टर ड्राइविंग लाइसेंस लाया था, ड्राइविंग लाइसेंस लिखा, ड्राइविंग लाइसेंस के 4 डिजिट लिखे और इलेक्टर के सिग्नेचर ले लिए। रो नंबर 5, इसका सीरियल नंबर लिखा 72, यह इलेक्टर मनरेगा जॉब कार्ड लाया था,
लास्ट के चार डिजिट लिए और सिग्नेचर कर लिया। फिर रो नंबर 6, इस लेटर का निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या 596, ये एपिक कार्ड लाया था तो ईपी लिख लिया, उसके सिग्नेचर ले लिए। लेकिन इस इलेक्टर ने मतदान के लिए इसको अनुज्ञात नहीं किया गया, क्योंकि इसने कोई नियम तोड़ा है, इसलिए इसको मना कर दिया गया। फिर उसके बाद रो नंबर 7, इसका सीरियल नंबर था 202, बैंक पासबुक लिखा, चार डिजिट लिखे, सिग्नेचर ले लिया। फिर इसके बाद है रो नंबर 8, इलेक्टर का सीरियल नंबर है 963, यह पेंशन परिचय पत्र लाया था, लास्ट के चार डिजिट लिखे। चूंकि सिग्नेचर नहीं कर पा रहा था, हाथ बहुत ज्यादा हिल रहे थे, तो हमने अंगूठे का निशान ले लिया। जब पूरी एंट्री हो चुकी तब इस इलेक्टर ने कहा कि उसे वोट नहीं देना है, इसलिए इसके रिमार्क कॉरम में लिख लिया, मतदाता ने मत ना देने का विनिश्चय किया। उसके बाद रूल नंबर 9, 894, यह पिक कार्ड लाया था तो ईपी लिखा। लेकिन यहां पर ये जो मतदाता है, इसके हाथ नहीं है, उंगलियां नहीं है, साइन नहीं कर पा रहा था, तो 49N के तहत ये अपना साथी लाया था, तो यहां पर हमने साथी के हस्ताक्षर ले लिए। फिर रो नंबर 10 में सीरियल नंबर है 966, इसके पास एपिक कार्ड है, ईपी लिख किया, इसके सिग्नेचर भी ले लिए। लेकिन चूंकि इस इलेक्टर का नाम ASDR लिस्ट में है, इसलिए इस इलेक्टर के सिग्नेचर भी लिए और अंगूठे का निशान भी लिया। और अंत में प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने सिग्नेचर कर देंगे। इस वीडियो में हमने मतदाता रजिस्टर 17 का को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो स्क्रीन पर देख रहे मेल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर देख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।